हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में 1 से 1000 के बीच की संख्याओं का वर्ग निकालने का शानदार ट्रिक बताऊंगा। आप इसे चुटकियों में हल कर सकते हैं। तो चलिए पहले 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालने का ट्रिक बताते हैं। चलिए 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालने का ट्रिक बताते हैं। देखिए, दो संख्या कोई ले लीजिए, कोई दो संख्या ले लीजिए, मान लीजिए कि 28 है, इसका हमें वर्ग निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, देखिए इसको पहले क्या करेंगे, देखिए इन दोनों का वर्ग करेंगे अलग अलग। तो देखिए 8 9 के 64, 64 हो गया। अब देखिए इसका 2 2 के 4, 4 हो गया। और इनको क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का और 8 का और फिर 2 का। तो इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 2 8 16 और 16 2 32, देखिए। और क्या करेंगे, 32 को इसमें जोड़ देंगे, एक संख्या छोड़ करके, इधर से एक संख्या छोड़ करके 32 को इसमें जोड़ देंगे। देखिए तो कितना हुआ हमारा, 6 और 2 कितना हुआ 8, और 4 और 3 कितना हुआ 7। देखिए हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह दूसरा एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिए कि हमें 37 का निकालना है, 37 का निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे 37 का, देखिए तो 7 7 49, ठीक है, और 3 3 के 9, और देखिए 3 7 2, तो 3 7 21 और 21 2 42, 42 हो गया। और इसको क्या करेंगे, इधर से एक संख्या छोड़ करके और इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। देखिए जोड़ दीजिए कितना हो गया, 9 4 2 6 और 9 4 13। देखिए हमारा यही हमारा आंसर हो गया। इसी तरह तेज़ी के साथ देखिए, तेज़ी से करिए। मान लीजिए 76 करिए, 76 का तो 6 6 के 36 और 7 7 49, और देखिए और 7 6 42 2 84, इसको जोड़ दीजिए। देखिए एक संख्या छोड़ करके इसको जोड़ दीजिए, कितना हुआ, 4 3 7 9 8 17 4 1 5, देखिए हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब एक और देख लीजिए तेज़ी से। मान लीजिए कि हमको 88 का निकालना है। देखिए 8 8 के 64, फिर 8 9 के 64, फिर 8 8 64 2 कितना हुआ, 8 8 2 64, तो 8 9 के 64 और 64 2 128 128 हो गया। अब इसको 128 को एक संख्या छोड़ करके जोड़ दीजिए, देखिए जोड़ दीजिए, 8 6 14 4 2 6 1 7 और 7, देखिए हमारा आंसर, हमारा यही आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आया आपको, देखिए आप लोगों को समझ में आ गया ना। देखिए इसी तरह आसान से आप बहुत तेज़ी से कर सकते हैं, बहुत कम समय में आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखिए, अब 3 डिजिट का दिखाते हैं कैसे करेंगे। 3 डिजिट का, 3 अंकों की संख्याओं का करेंगे कैसे करेंगे, देखिए 3 अंकों की संख्याओं का हमें वर्ग निकालना है, ठीक है। अब 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालेंगे, देखिए कैसे निकालते हैं। अब 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना है, अब 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना है, देखिए कैसे निकालते हैं। देखिए मान लीजिए कि हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना है। देखिए कैसे निकाल रहे हैं, देखिए इसको भी बहुत तेज़ी से आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए लिखिए, मान लीजिए देखिए हमें कोई संख्या ले ली है, 112 हमने ले लिया, इसका हमें वर्ग निकालना है। तो देखिए इसको क्या करेंगे, देखिए इसको 12 में क्या जोड़ेंगे क्या घटाएंगे, देखिए इसमें ये पूर्ण हमारा बनाना है, इसको क्या जोड़ेंगे क्या घटाएंगे, देखिए इसको 12 में 12 घटाएंगे और 12 जोड़ेंगे, जितना घटाएंगे उतना जोड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अब 112 में जोड़ दिए, घटा दीजिए पहले घटाएंगे ना, तो चलिए घटाइए कितना हुआ, 100 इंटू, अब देखिए इसमें जोड़िए कितना हुआ, 124। अब देखिए 12 का स्क्वायर कितना हुआ, 144, ठीक है। तब देखिए अब इसको क्या करेंगे, इसको 100 से भाग दे देंगे, कितना से भाग देंगे, 100 से भाग दे देंगे, 100 से भाग दीजिए। चलिए अब इसको यहाँ उतार लेते हैं, अब चलिए भाग दीजिए कितना हुआ, 124 और 144। देखिए हम 2 संख्याओं से भाग दिए हैं ना, 100 से भाग दिए, तो इधर से 2 संख्या छोड़ करके इसको क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे। तो चलिए जोड़िए 125 और इसको क्या करेंगे, यहाँ पे उतार देंगे, ठीक है। चलिए देखिए ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह और देख लीजिए, 187 का हमें वर्ग निकालना है, 187 का वर्ग निकालना है, ठीक है। चलिए 187 का वर्ग निकालिए, देखिए कैसे निकाल रहे हैं। तो इसको जोड़िए घटाइए, देखिए इसमें क्या जोड़ेंगे, 13 जोड़ेंगे,
कितना घटाएंगे, जितना जोड़ेंगे उतना ही घटाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको जोड़िए, कितना हुआ 200 हो गया, और इसको घटाएं तो कितना हुआ 174, और 13 का वर्ग कितना होता है 169। तो चलिए इसमें 100 से भाग दे देंगे, कितना से भाग देंगे 100 से, तो 100 से भाग दीजिए, 100 से भाग दीजिए, ये हमारा कट गया। अब कितना हुआ 2 × 174, और कितना हुआ ये 169, इसको लिख लेंगे। अब देखिए इसको गुणा करिए, तो 2 × 4 8, 2 × 7 14, और 2 × 1 = 3, ठीक है। अब देखिए अब इस क्या करेंगे, इसको इधर से दो संख्या छोड़ करके इसको क्या करेंगे, एक को इसमें जोड़ देंगे, कितना करेंगे जोड़ देंगे, ठीक है। तो देखिए हमारा आंसर क्या हो गया 49, और इसको क्या यहाँ उतार देंगे, ठीक है। देखिए हो गया आंसर आ गया, और देख लीजिए 2 इंच चप्पल देख लीजिए, और 1-2 इंच चप्पल आपको दिखाते हैं। चलिए मान लीजिए क्या, अब 413 का हमें निकालना है, 413 का वर्ग निकालना है। तो चलिए देखिए इसको, देखिए क्या करेंगे, इसमें 13 घटा देंगे, और जितना घटाएंगे उतना ही जोड़ देंगे, ठीक है, जितना घटाएंगे उतना ही जोड़ देंगे। तो चलिए करिए, 400 हो गया ये, और ये फिर जोड़ेंगे तो 426 हो गया, 426 हो गया। चलिए अब इसको क्या करेंगे, 13 का वर्ग कर देंगे, 13 का वर्ग कितना हुआ 169। अब इसमें क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे, भाग दीजिए कट गया, और देखिए इसको करिए, 4 × 6 = 24, और 4 × 2 = 8 और 2 = 10, और 4 × 16 = 17, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे आप बताइए। देखिए इसको एक को इसमें जोड़ देंगे, एक को जोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए जोड़िए 1705, और इसको क्या करेंगे यहाँ पे उतार देंगे, इसको यहाँ पे उतार देंगे, ठीक है, हो गया। देखिए हो गया ना, अब चलिए अब दूसरा एक और देख लीजिए, मान लीजिए कि 987 का हमें निकालना है, 987 का हमें वर्ग निकालना है। तो चलिए इसको करिए, इसमें देखिए क्या जोड़ेंगे 13, क्या कितना घटाएंगे 13 जोड़ेंगे, 13 घटाएंगे कितना हुआ ये 1000 हो गया, और इसको घटाएंगे कितना हुआ 974 हो गया, ठीक है। अब देखिए अब इसे 13 का वर्ग करेंगे 169 हो गया। अब देखिए अब ये 1000 है ना, तो अब इसको तीन संख्याओं से इसका भाग करेंगे, तीन संख्याओं के बराबर से इसका भाग करेंगे, तो ठीक है, तब कितना से भाग करेंगे 1000 से भाग करेंगे, ठीक है। अब 1000 से भाग करेंगे तो ये कितना हुआ कट गया हमारा, कितना हुआ 974, और इसको अब जोड़ना नहीं है, अब इसको पूरा का पूरा उतार देना है। देखिए हमारा यही आंसर हो गया, ठीक है। देखिए बहुत बहुत आप इसको चुटकियों में हल कर सकते हैं, करेंगे तो आप इसे बहुत तेज़ी से कर देंगे, ठीक है, अगर ये 2-4 करेंगे ना आप तो इसको बहुत तेज़ी से कर सकते हैं। Close till I get up. Time is barely on our side.